हाय स्टूडेंट्स, ऑनियन फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं। तीन तरह के कंस्ट्रेंड मोशन हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसा हम पहले से जानते हैं, मैं फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 बुक के ही क्वेश्चंस लूंगा और वैरायटी ऑफ केसेस मैं यहां कवर करूंगा, सो दैट अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप इस बुक के क्वेश्चंस से पूरी तरह से परिचित हो जाएं और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस, वो आप तक पहुंच जाएं। और जो लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं, सर्टेनली इट इज एडवाइज बल्कि वो स्टूडेंट बुक को कंप्लीट करते रहे जैसे जैसे प्रैक्टिस वर्क में देता जा रहा हूं। और यहां पे आज इस लेक्चर से हम काइनेमेटिक्स के सेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और अगली क्लास से हम डायनामिक्स यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस शुरू करेंगे। ऑनियन फिजिक्स में जैसे ऑनियन की लेयर्स ओपन होती हैं और अंदर नया ऑनियन निकलता है, वैसे यहां पे हम कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर क्वेश्चंस को ओपन अप करते जाते हैं। लेयर्स सिचुएशंस की तरह से ओपन होती हैं और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होती रहती है। आज के लेक्चर में विल फोकस ऑन 3 फैक्टर्स। मैं क्विक रीकैप ले लेता हूं कि हमने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट मोशन में क्या कवर किया। वी हैव कवर्ड 3 सेक्शंस। वन वाज अ सिंपल कॉन्स्टेंट मोशन, सेकंड वाज पुली कॉन्स्टेंट, थर्ड वाज वेज कॉन्स्टेंट। इन्हीं तीनों के ऊपर वैरायटी ऑफ केसेस में लूंगा। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू टेक अ मिक्स केसेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन के साथ ही हम वैरायटी ऑफ केसेस पे चलेंगे। द क्वेश्चन इज ऑफ मिक्स क्वेश्चन ऑफ पुली एंड वेज ब्लॉक कॉन्स्टेंट और क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.12 का सेकंड क्वेश्चन। आप देखिए पुली ब्लॉक कॉन्स्टेंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है सिंगल, 3 पुलीज हैं और ब्लॉक बी ए के ऊपर मूव कर रहा है। सो क्वेश्चन देखते ही आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए इन सच केसेस कि जो ब्लॉक बी है वो ए के रिलेटिव इस इंक्लाइंड प्लेन पे चलेगा और इसका नेट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी निकालना होगा उसमें ए का वेलोसिटी एक्सेलरेशन एडअप हो जाता है। सो इन दिस केस गिवन है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए लेफ्ट में 3 है, थीटा 30 एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बी। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि ये वाली जो 2 स्ट्रिंग्स हैं, अगर ए लेफ्टवर्ड चलता है बाय ए डिस्टेंस एक्स, तो ये वाली स्ट्रिंग भी एक्स रिड्यूस होगी, ये भी एक्स रिड्यूस होगी, तो बी हैज़ टू गो डाउन बाय ए डिस्टेंस 2x। दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी अगर पिछला लेक्चर कराया तो, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस से पहले इट इज़ एडवाइजेबल कि हम बेसिक चीज़ें पिछले लेक्चर्स में कर लें, कई मेथड्स में बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर बी का डिस्प्लेसमेंट डबल होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी ए की सरफेस पे बी का एक्सेलरेशन होगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, बिकॉज बी इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ट्वाइस द वैल्यू। सो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी, सो नेट एक्सेलरेशन आप ये ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस वॉट वी नीड टू टेक। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ पे है टूवर्ड राइट विच इज 2x, यानी twice of a this is equals to 6 meter per second square, और acceleration of a होगा left में that is equals to 3 meter per second square, और parallelogram law of vector addition से ये हमारे पास result आएगा acceleration of b with respect to ground, this is acceleration of b with respect to ground or abg, whatever you wish you can write, and this angle here is 30 degree. So acceleration of b by parallelogram law we are getting a square is 3 square plus ab square is 6 square plus in this case twice of 3 into 6 into cos 150 degree. So this becomes minus twice of 3 into 6 into cos 30 degree will be root 3 by 2. So it 2 cancel ho gaya, value aa jati hai hamare paas root of 9 plus 36 is 45 minus 18 root 3. So value आप चाहें तो यहाँ simplify करके लिख सकते हैं, this 3 root of 5 minus 2 root 3 meter per second square. ये हमारे पास answer आ जाता है acceleration of b। और अगर angle भी calculate करना है तो ये वाला angle alpha निकाला जा सकता है यहाँ पे, which is given as 10 inverse of, अब आप देखें value हम use करेंगे 6 sin 30 degree यानी 1/2 divided by 3 minus 6 cos 30 degree. So 6 cos 30 we are going to use 2 root 3. So आप यहाँ minus करके इसको reverse कर सकते हैं, this can be written as 2 root 3 minus this will be 3 root 3 minus 3. So this will be 3 और दिस विल बी 6 cos 30, 6 cos 30 विल बी 3 root 3. तो ये हमारे पास एंगल भी आ गया, दिस अनदर आंसर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल द एक्सेलरेशन ऑफ बी विल एग्जिस्ट, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, पूछी क्लियर करो।
थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन लिया था विच वॉज रिलेटेड टू पुली एंड वेज कंस्ट्रेंट. अब हम फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल कंस्ट्रेंट रिलेशन, जहाँ पे हम किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को, दो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन आया था, उस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं. द क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज इलस्ट्रेशन 1.51 ऑफ द बुक. जस्ट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन. यहाँ पे क्वेश्चन में एक हेमीस्फेयर दिया हुआ विच इज मूविंग टुवर्ड राइट विद वेलोसिटी v2, और इस पर एक रॉड ए बी सपोर्ट है जिसके एंड ए को लेफ्ट में वी वन से पुल कर रहे हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द रॉड एंड द हॉरिजॉन्टल. और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी. नाउ इन दिस केस तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले वी वन वी टू की टर्म्स में. सो वॉट वी कैन डू, वी जस्ट रिलेट दिस विद द डिस्टेंस एक्स बिटवीन पॉइंट ए एंड द सेंटर ऑफ दिस हेमीस्फेयर, एज दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री. You can write in this situation as x is increasing due to v1 and v2. So here we can write dx by dt is equals to v1 plus v2. This all of you can understand. क्योंकि x is the separation between a and c, और a और c दूर जा रहे हैं relative velocity v1 plus v2 से. So dx by dt is written as v1 plus v2. So in this situation, अगर x और theta को हम relate कर दें, then the question can directly be solved. So here in solution we can write from the given figure, here we can use, you just have a look, the value of sine theta is equals to r by x over here. So sine theta we are getting as r by x. So this giving us x is equals to r cosec theta. So if we differentiate it, dx by dt is, here you just see the value of theta is changing, though we need to differentiate it, r is a constant. So cosec theta derivative is given as minus cosec theta cot theta. So this is minus cosec theta cot theta d theta by dt. So in this case, this is giving us the value of d theta by dt. So dx by dt we can write v1 plus v2 divided by r. As this negative theta is decreasing with time, so d theta by dt must come out as a negative quantity. So minus sign is indicating we are going in right direction. And other side, cosec theta inverse is sine theta. So sine theta we can substitute here as r divided by x. Or we can simply write it sine theta, because value of d theta by dt we want to calculate, it must be in terms of theta, because x is not given to us. We can directly write it sine theta multiplied by tan theta. This would be the result of this problem. And if x is given to us at an instant, we can write sine theta as r by x, and tan theta we can write r divided by root of x square minus r square. So if it is given in terms of theta, we'll use this, otherwise we'll use this. So this would be the final answer. जो सिंपली हमने कैलकुलेट किया है बाय रिलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जिसका डेरिवेटिव निकालना है विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. आइए कुछ और केसेस लेते हैं. पोजी क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, एक पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट का सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं उसी लॉजिक पे बेस्ड है. क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल एमसीक्यू का 110 क्वेश्चन एंड एमसीक्यू एक्सरसाइज का 110 क्वेश्चन वी आर टेकिंग, जिसमें ब्लॉक ए और बी, आप ध्यान से देखें, स्ट्रिंग ए की है और तीन पुलीज यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, और ब्लॉक बी टूवर्ड राइट जा रहा है 30 cm/s. हमको वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है. अब या तो हम ट्रेडिशनल मेथड से करें, बिल्कुल ही फंडामेंटली करें कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, दिस विल बी टेकन एज टी एवरीवेयर, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, सो एवरीवेयर टेंशन विल बी टी. सो ब्लॉक बी पे लेफ्ट में लगेगा टेंशन 2t, और ब्लॉक ए पे राइट में लगेगी टेंशन 3t. आप देखें, ए के ऊपर तीन टेंशन एक्ट कर रही हैं और बी के ऊपर लेफ्ट में दो टेंशन एक्ट कर रही हैं. सो अगर बी टूवर्ड राइट जाता है विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स ए, और ए टूवर्ड्स राइट जाता है विद द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्स बी एंड ए ट्रेवल्स विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स ए. सो हियर यू कैन सी इन सॉल्यूशन वी कैन राइट डायरेक्टली वर्क डन बाय ऑल स्ट्रिंग्स. This can be given as block B पे displacement right at tension left में, तो this minus 2t into xb. For A toward right tension is 3t and displacement is xa, this is 0.
So this T gets cancelled out. XA we are getting is equals to twice of XB divided by 3. So here velocity of A can be written as twice of velocity of B by 3. This 2 into 30 divided by 3 comes out to be 20 centimeter per second. That's the answer of this question. मैंने फिर भी समझाते हुए कि अगर आप इसको खटाखट सॉल्व करेंगे तो 15-20 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगेंगे. The only point to be considered over here is the signs. जो साइंस यहाँ पे ले रहे हैं ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आएगा, वर्क डन के साइन लेने, ये आपको ध्यान रखना है. ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेकिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.11 के फोर्थ का ए पार्ट. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देख के थोड़ी सी कई बच्चों को घबराहट हो सकती है कि यार ये क्या अजीब सा पुली ब्लॉक सिस्टम सामने बना दिया सर ने, या सर सिर्फ ये चाहते हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं. बट ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं. पहले मैं इसको नॉर्मल मैथड से सॉल्व करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे इस क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. देखने में कॉम्प्लेक्स लगने वाले क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स हो. दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो माई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ब्लॉक ए की वेलोसिटी अपवर्ड दी गई है वी, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी. इन द सिचुएशन लेट अस अज्यूम कि ए ऊपर जा रहा है बाय डिस्टेंस एक्स, सो बी नीचे आ रहा है बाय डिस्टेंस वाई. सो वाई और एक्स का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए का होगा. या आप चाहें तो एक्स ए और एक्स बी भी ले सकते हैं जैसा अब तक मैं लेता हुआ आया हूं. नाउ इन दिस केस जस्ट हैव अ लुक कि कितनी स्ट्रिंग्स हैं और कितनी पुलीज हैं. स्ट्रिंग देखें तो एक स्ट्रिंग तो ये वाली है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, यानी टोटल दो ही स्ट्रिंग है, तो दो ही टेंशन की वैल्यूज रहेंगी. पहली चीज़ तो ये स्ट्राइक हो जानी चाहिए. पुलीज 1, 2, 3, 4, 5 पुलीज हैं तो सारी मासलेस और फ्रिक्शनलेस मान के ही हम इस पूरे चैप्टर को एनालाइज कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग कि अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो ये सब जगह टेंशन टी ही रहने वाली है. इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन विल रिमेन टी. तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे टेंशन टूटी होगी और ब्लॉक बी पे भी टेंशन टूटी होगी. अब इतना सा देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन तो खत्म हो गया भैया. ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, ब्लॉक बी नीचे जा रहा है. तो इफ वी कैलकुलेट दी वर्क डन इन सॉल्यूशन, इफ वी कैलकुलेट दी वर्क डन बाय ऑल स्ट्रिंग्स, तो जहाँ पे भी कनेक्टेड हैं, ए पे टेंशन ऊपर टी है और ये ऊपर एक्स जा रहा है तो टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स. बी पे टेंशन टू टी ऊपर है और ये जा नीचे रहा है तो माइनस टू टी मल्टीप्लाइड बाय वाई. आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट वाई हैव टेकन माइनस, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू जीरो. तो क्वेश्चन तो भैया खत्म हो गया. दिस डायरेक्टली इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू. डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा वेलोसिटी ऑफ बी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा वी. सो दिस वी बाई टू ये आंसर आ गया. आप देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है जो देखने में घबराहट जैसा फील हो रहा था कि इतनी सारी पुलीज हैं कैसे मैनेज होगा. अब ये चीज़ आप चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं, बट आई स्टिल डू नॉट प्रेफर यू टू सॉल्व दिस ओरली. जो स्टूडेंट जी एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये ओरल थिंकिंग IQ लेवल पर बिल्ड कर सकते हैं. अदरवाइज भी दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा. जैसे भी क्वेश्चन आएंगे विद दिस मैथड यू कैन हैंडल एंड डायरेक्टली यू गेट द रिजल्ट इन 2 or 3 स्टेप्स ओनली. ओरल मैथड ये कि ध्यान से देखिए ये वाली जो पुली है ये बेकार है, ये कोई काम की पुली नहीं, क्योंकि यहां से स्ट्रिंग पीछे गई और फिर आई. अगर ये पुली डायरेक्ट यहां भी लगी होती तो बात एक ही होती, क्योंकि ये दोनों फिक्स पुली हैं, ये वाली स्ट्रिंग लेंथ चेंज होगी ही नहीं. इसका मतलब डायरेक्टली ये वाली स्ट्रिंग इस पुली से होते हुए इधर भी बना दें तो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. यानी एक ही पुली ऐसी है जो मूवेबल है. तो अगर ये पुली टुवर्ड लेफ्ट वाई डिस्टेंस जाती है तो ये वाली स्ट्रिंग 2y पुल हो जाएगी और कुछ भी नहीं होना है. तो ये अगर x ऊपर जाता है तो x मस्ट बी 2y, वो डायरेक्टली निकल के आ रहा है. बट स्टिल आई एडवाइज वर्चुअल वर्क मैथड या टेंशन वर्क मैथड से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये ज़्यादा इजीली हैंडल हो रहा है क्वेश्चन. देर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन ओवर हेयर. आइए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट एक सिंपल कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है जिसे आप पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट भी मान सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी सॉल्व बाय यूजिंग सिंपल कंस्ट्रेंट रिलेशन ओनली. द क्वेश्चन बिलोंग्स टू न्यूमेरिकल MCQ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 81. जस्ट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन वेयर इट इज सेइंग कि एक सिंगल स्ट्रिंग है जिससे मास M2 जुड़ा हुआ है और बीच में एक मूवेबल पुली है और इससे मास M1 जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे पुलीज की जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल ना होकर इंक्लाइन है और वर्टिकल से एंगल थीटा और थीटा पे ये वाली स्ट्रिंग्स इंक्लाइन है, ये गिवन है.
और अगर इस गिवन इंस्टेंट जो शोन है फिगर में m1 मास नीचे v1 से जा रहा है तो m2 ऑब्वियसली यहाँ ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी v2 हमें निकालनी है. तो डायरेक्टली बाय ट्रेडिशनल मेथड आप ये नहीं कर सकते कि अगर ये वाली पुली लूज है इसको ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो कितनी स्ट्रिंग लूज होगी या टाइट होगी. थोड़ा लंबा हो जाएगा मेथड, ऑल्दो दैट कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस कैन बी डन, बट उससे पहले हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था फॉर सिंपल कंस्ट्रेंट कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है तो मैं यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी को लिख सकता हूँ v1 वन बिकॉज एक्स इज इंक्रीजिंग एट अ रेट v1, और डी वाई बाई डी टी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस v2 टू बिकॉज इफ इट इज़ गोइंग अप विद v2, सो डी वाई बाई डी टी विल बी माइनस v2 टू एज इट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम. तो अब x और y को हम रिलेट करके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, विल गेट अ रिलेशन इन v1 एंड v2. सी ओवर हेयर, इफ दिस x ये डिस्टेंस l है और ये l है, सो ये वाली डिस्टेंस होगी रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. दिस विल ऑल्सो बी रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रिंग लेंथ हियर इन सॉल्यूशन, हमेशा एडवाइजेबल यही रहता है कि हम स्ट्रिंग लेंथ को कैलकुलेट करें, और स्ट्रिंग लेंथ का वैल्यू l1 आ जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई. अब ध्यान से देखो, ये बात आपको क्लियर हुई नहीं हुई, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस वाई, दिस द स्ट्रिंग लेंथ. एज अ स्ट्रिंग लेंथ इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इनएक्सटेंसिबल. वी कैन डिफ्रेंशिएट डी एल वन बाई डी टी विच गिव्स अस टू, कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव अस 2x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर multiplied by dx by dt plus dy by dt and this should be equals to 0. और यहाँ पे अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, x upon root of l square plus x square, ये हो जाएगा हमारा cos theta. This 2v1 cos theta minus v2 is 0 और this equals to v2. तो यहाँ से आप देखो ये v2 का वैल्यू ही आ गया 2v1 cos theta, ये हमारा डायरेक्टली आंसर होगा, द क्वेश्चन इज ओवर. अब मैं चाहूँगा आप इसको जो हमारा बिल्कुल बेस मेथड था मूवेबल पुली वाले लॉजिक से, जो हमने पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट से किया था, ये तो सिंपल कंस्ट्रेंट वाला मेथड है, उसमें आप इसको हैंडल करो कि अगर ये वाली पुली यहाँ से x डिस्टेंस छोटा सा डिस्प्लेस होती है तो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग कितना इलोंगेट हो जाएगी. यू कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओवर हेयर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर दो, आपके पास ये वाई निकल जाएगा. डायरेक्टली ओरली आप इसको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मेथड कंफ्यूजिंग है इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है. जिन स्टूडेंट की हैबिट अच्छी है और क्विकली हैंडल कर सकते हैं उनके लिए ये फास्टेस्ट मेथड रहेगा, बट स्टिल आई एडवाइज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें, एक या दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अब दूसरी बात, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा जाता तो ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं होता. क्यों? बिकॉज इफ़ यू डिफ्रेंशिएट दिस रिलेशन तो यहाँ थीटा भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सो डी थीटा बाई डी टी विल ऑल्सो गेट इंट्रोड्यूस, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो ज़रूरी नहीं है कंस्ट्रेंट मोशन में आप जैसा भी क्वेश्चन सोचें उसमें डिफ्रेंशिएशन से काम हो जाए, फिर डी थीटा बाई डी टी की कैलकुलेशन यहाँ डायरेक्टली नहीं की जा सकती, दैट हैज़ टू बी डन इन अ डिफरेंट वे. सो अभी हम उस इन डेप्थ लेवल पे नहीं जा रहे हैं, विल कंक्लूडिंग ओवर हियर. एक क्वेश्चन और मैं लास्ट लेता हूँ एंड देन विल कंक्लूड दिस न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्योंकि जितने भी केसेस मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रेंट में लिए हैं ये सारी चीज़ें आपको पूरा एक्सपोजर दे देती हैं जो जेई मेन नीट या जेई एडवांस लेवल तक भी ज़रूरत है. आइए कंक्लूड करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के एक्सरसाइज है, बट क्वेश्चन सारे फंडामेंटल होते हैं. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कि हर क्वेश्चन को इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि जब आप चाहे क्वेश्चन इजी हो टफ हो दोनों को सेम रिस्पेक्ट देके यानी सेम वेटेज देके सेम कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करोगे तो इजी वाले को भी आप कंफर्टेबली हाई स्पीड पे सॉल्व कर पाओगे और टफ वाले को भी उसी मेथड से हाई स्पीड पे इजी मान के सॉल्व कर लोगे. तो ग्रेजुअली सेम रिस्पेक्ट क्वेश्चन को देने से सारे क्वेश्चन हमारे लिए एक जैसे बन जाते हैं, इजी टफ कुछ बचता नहीं है. आइए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी ऑन अ स्ट्रिंग, और ये एक सिचुएशन हमारे पास गिवन है जिसमें एक बॉडी ए है जो लेफ्ट में 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक बॉडी बी है जो कि इन स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है. तो पुली ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन है, तो आई सजेस्ट जो अटैक करने का तरीका, सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी हैं. सो एक स्ट्रिंग तो ये चल रही है और दूसरी स्ट्रिंग ये छोटी सी है, तो अगर इसमें टेंशन टी ले लेते हैं तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, सारी टेंशन टी,
और इस छोटी वाली के अंदर 2T टेंशन होगी जो ब्लॉक बी पे लगेगी। अब आप ध्यान से देखें, ए ब्लॉक पे तो राइट में टी लग रही है और ये चल रहा है लेफ्ट में विद डिस्प्लेसमेंट से एक्स ए, तो ये अगर लेफ्ट जाएगा तो बी हैज़ टू गो अप बाय अ डिस्प्लेसमेंट एक्स बी और इस पर नेट अपवर्ड टेंशन लगेगी 2T और टी यानी 3T। सो द क्वेश्चन इज ओवर टेंशन वर्क मेथड या वर्चुअल वर्क मेथड आप लें। अगर हम कैलकुलेट करें वर्क डन बाय स्ट्रिंग्स, सो वर्क डन बाय स्ट्रिंग्स आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए के ऊपर टी राइट में डिस्प्लेसमेंट इधर है तो माइनस टी एक्स ए, बी के ऊपर अपवर्ड 3T मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी शुड बी इक्वल्स टू 0। सो टी कैंसिल हो गया, एक्स बी का वैल्यू आ जाता है हमारे पास एक्स ए बाई 3, यानी वेलोसिटी ऑफ बी जो हमारे पास होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए बाई 3 यानी 2 meters per second, और ऊपर जा रहा है तो इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकालनी है, तो आप देखिए ये वाली स्ट्रिंग अगर ऊपर चलेगी 2 meters per second से, तो स्ट्रिंग से यही वेलोसिटी 2 meters per second से ये वाली स्ट्रिंग नीचे आएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी मस्ट बी 2 meters per second इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस द आंसर टू माई क्वेश्चन, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली देखें। अगर बी ब्लॉक ऊपर जा रहा है जिसकी वेलोसिटी हमने निकाल ली, ये ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रिंग 2 meters per second से ऊपर जाएगी, इस स्ट्रिंग से होते हुए नीचे आएगी, तो ये स्ट्रिंग 2 meters per second से ही नीचे आएगी, दैट विल गिव अस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी ऑन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज कंस्ट्रेंड मोशन इज कंसर्न, जितने भी केसेस पॉसिबल फंडामेंटल लेवल पे हो सकते हैं मैंने ले लिए हैं, बट नाउ आई सजेस्ट अब आप फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा करने के लिए एलिजिबल हैं। काइनेमेटिक्स खत्म हो गया है, इसकी जो जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू की एक्सरसाइज पूरी कर लें, न्यूमेरिकल एमसीक्यू की एक्सरसाइज पूरी कर लें। एडवांस एमसीक्यू की एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो वो जेई एडवांस के स्टूडेंट के लिए है। नीट स्टूडेंट्स के लिए भी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू और न्यूमेरिकल एमसीक्यू की एक्सरसाइज कवर कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सारी कर लें। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू के अंदर, अच्छा इससे पहले एक सेक्शन हो रहा है डिस्कशन क्वेश्चंस का, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट जेई मेन नीट और जेई एडवांस सभी स्टूडेंट डिस्कशन क्वेश्चंस अच्छे से कर लें, क्योंकि वो आपके ब्रेन को काफ़ी चर्न करते हैं। देर आर 18 डिस्कशन क्वेश्चन जहाँ पे थ्योरेटिकल सिचुएशंस दी हुई हैं और आपको उन सिचुएशंस को एनालाइज करना है, दिमाग को चर्न करना है कि इन सिचुएशंस में जो चीज़ पूछी गई है उसको आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू के अंदर देर आर लिमिटेड क्वेश्चंस अराउंड, देर आर 35 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू। न्यूमेरिकल एमसीक्यू में 111 क्वेश्चन है। एडवांस एमसीक्यू में देखते हैं तो अगेन इन एडवांस एमसीक्यू देर आर 17 क्वेश्चन। उसके बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, तो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सिर्फ जेई एडवांस के स्टूडेंट या जो स्टूडेंट ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करें दे शुड फोकस ऑन अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, बाकी जरूरत नहीं है। सो हियर वी कंक्लूड द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लीजिए एंड जस्ट फॉलो द शेड्यूल ऑफ अपकमिंग लेक्चर्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, और उस टॉपिक के लिए भी मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप पीजी कॉन्सर्ट वीडियो से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हार्डली आधे घंटे का टॉपिक है उसको कवर अप करके अगर बेसिक नोट्स बना लेंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग और एनहांस और एडवांस हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट।